गैस की किल्लत, चूल्हे ठंडे, माफिया ने मजबूरी का फायदा उठाते हुए लूटमार का बाजार गर्म कर दिया। तलब और असद का तवाजुन बिगड़ने से गैस माफिया ने यौमिया 8 करोड़ रुपए की एलपीजी ब्लैक करना शुरू कर दी। दिसंबर के 16 दिनों के दौरान तकरीबन 1.25 अरब रुपए की एलपीजी ब्लैक हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सिबकतुल्लाह चौधरी से। सिबकत, बताइएगा, आवाम की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? बिल्कुल, लाहौरियों की ये बदकिस्मती है कि हुकूमती इदारों की नाहली के बायस हर मौसम में एक नए बुहरान से दो चार होना पड़ता है। दिसंबर के अवाइल में जहां दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, वहीं कुदरती गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत भी बढ़ गई हैं, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए एलपीजी माफिया ने भी लूट मार का बाजार गर्म कर दिया है। इस वक्त तलब और रसद का तोवाजन बिगड़ने से गैस माफिया ने योमिया 8 करोड़ रुपए की एलपीजी ब्लैक करना शुरू कर दी है। इस अंदाजे के मुताबिक दिसंबर के 16 दिनों के दौरान 1.25 अरब रुपए की एलपीजी ब्लैक हुई है। इस वाले से ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 113 रुपए फी किलो मुकर्रर करने के बावजूद घरेलू सिलेंडर 600 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 2400 रुपए तक महंगा फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि एलपीजी की मुकामी पैदावार 80% जबकि 20% दरामद की जाती है और लोकल प्रोड्यूसर्स मसनूई किल्लत का फायदा उठाते हुए मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, हमारे साथ ही आप सिबकतुल्लाह मौजूद रहिएगा। हमारे साथ आकिब तनवीर भी मौजूद हैं। आकिब, ये बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सूबे में एलपीजी की कीमतों में इजाफे और किल्लत का सख्त नोटिस लिया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी जोर, बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से एलपीजी की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे के ऊपर उसके साथ साथ जो ये ब्लैक हो रही है इसके ऊपर सख्ती से नोटिस किया गया है। वज़ीर आला की जानिब से हुक्म दिया गया है कि जो भी अपराध इसमें मुलव्वस है उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है इनके खिलाफ भी एक्शन किया जाए। वज़ीर-ए-आला की जानिब से इंतजामिया को हदायत की जा रही है कि अवाम को जो एलपीजी है वो मुकर्रर कीमत के ऊपर एक तो दी जाए और जो इसमें जो ब्लैक की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई के जो अहकाम है वो भी जारी किए गए हैं। और वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि मुकर्रर करदा जो नर्ख हैं जिस उनके ऊपर जो जायद एलपीजी फरोख्त करने वाले हैं उनको कानून उनके खिलाफ हरकत में भी आएगा और आवाम को बिल्कुल इस माफिया के रहमो करम पे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और जो महंगी एलपीजी फरोख्त हो रही है और जो मसनूई किल्लत पैदा की गई है इस माफिया के खिलाफ जो भरपूर कार्रवाई है वो करेगी और इसके साथ साथ इंतजामिया फौरी एक्शन भी लेगी और इसकी रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार को पेश भी की जाएगी। जी, एलपीजी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान आकिब तनवीर और सिबकतुल्लाह मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।